अपनी अलग अलग मांगों को लेकर भारतीय किसान संघ के बैनर तले कई किसान अशोकनगर कलेक्ट्रेट के सामने धरने पर बैठे। इस दौरान बड़ी संख्या में महिलाएं भी इस धरने में शामिल हुई। धरने पर बैठे किसानों ने प्रशासन के सामने अतिवृष्टि से बर्बाद हुई फसलों का सही सर्वे और मुआवजा दिए सहित विभिन्न मांगे रखी है। वहीं इस दौरान उन्होंने कलेक्टर को ज्ञापन देते हुए मांगों के निराकरण करने की मांग की। मैं सभी जिलों में आज धरना दिया जा रहा है भारतीय किसान संघ मध्य प्रदेश द्वारा। मेन मांग है 2019 का बीमा आज तक नहीं मिला, आज 2 साल हो गए और 2020 को 14 महीने हो गए, अभी तक बीमा नहीं दिया गया, जबकि 4 माह का इसमें नियम है बीमा मिलना चाहिए। तो आज आपने क्या आयोजन रखा है यहाँ पे? धरना प्रदर्शन है और मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन देना है। 3 बजे हम कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देंगे। लगातार किसान संघ इस तरह की धरना प्रदर्शन आंदोलन करता है, सरकार उन्हें उपेक्षा ही देती है हमेशा। देखो, हमारा आवाज़ उठाना काम है, काम करना सरकार का है। अगर नहीं करेगी मांग हमारी, नहीं मांगेगी किसानों की, तो हम चुनाव में उनको हरा देंगे और हमारा आवाज़ उठाना काम है, उठाती हैं। मांग रखी सर, हमने तो क्या मुआवजा चाहिए हमको, किसान बहुत परेशान है, किसानों की नहीं सुन रहा है, सरकार नहीं सुन रही, तो हम औरतों को धरना पड़ा और आ गई भी हम धरने के बैठे। और ये सोयाबीन की हमारे मुआवजा भी नहीं मिला, बिल भी बंद हो गया था, अब आजकल फिर से बिल चालू कर दिए, उसको भी बंद कराना है, किसी के खाते में